हाय फ्रेंड्स, मैं हूं केशव कुमार साहू और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, ये है मेरी बजाज चेतक 99। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी गाड़ी का एवरेज कैसे सेट करें ताकि आपकी जो गाड़ी सही एवरेज दे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता दूँ। आपको साइड पैनल खोल लेना है। साइड पैनल खोलने के बाद आप देख रहे होंगे, ये है कार्बोरेटर, ये यहाँ से हम RPM सेट करते हैं। और पीछे आप देख रहे होंगे ये कैप, ये जो देख रहे होंगे ना, ये कैप, ये वाला कैप, इसको ओपन कर लेना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके, ये देखिए। तो आप अंदर जो स्क्रू देख रहे होंगे वो एयर मिक्सचर होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम जब गाड़ी का एवरेज सेट करते हैं तो हम वो पेट्रोल का जो मात्रा है उसको सेट करते हैं। तो नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, हम एयर मिक्सचर को सेट करते हैं। कंपनी कार्बोरेटर को ऐसा बनाया होता है कि आपकी जो पेट्रोल की जो वो है, मतलब मात्रा बोलेंगे, वो उतना ही जाएगा जितना उसका सेट होता है। आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हम जो करते हैं वो है एयर मिक्सचर। हम एयर मिक्सचर को ही कम ज़्यादा करके अपनी गाड़ी की एवरेज सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी गाड़ी की जो एवरेज कम है तो आपको करना कुछ नहीं है। आप जो स्क्रू देख रहे हैं, इसको ढाई चूड़ी, आपको ढाई चूड़ी खोलना होगा। तो उसको आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी की जो एवरेज है वो सही है। और आप मेरा एक दो वीडियो देखे होंगे, उसमें मैं आपको बताया हूँ। तो मेरी गाड़ी की जो एवरेज सही है और मैं देखा हूँ कि 35-40 की एवरेज दे रही है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ऐसे टाइप का कुछ पेचकस लेना है जिससे आपको पता चल सके। जैसे आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो मार्क देख रहे हैं ना, तो ऐसा है। तो आप ढाई चूड़ी खोलें उसको, पहले उसको आप टाइट कर लीजिए। फुल टाइट करने के बाद उसको ढाई चूड़ी, ढाई पौने तीन ऐसा खोल सकते हैं, जिससे आपकी जो गाड़ी की एवरेज है वो सही रहेगी। और अगर आप गाड़ी स्टार्ट करके करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, पहले आप अपने गाड़ी का रेस बढ़ा लीजिए ताकि आपकी गाड़ी बूझे ना। आपको करना क्या है, इसको पूरा टाइट करने के बाद एक चूड़ी खोलना है। एक चूड़ी खोलिए और ये RPM को बढ़ा के गाड़ी स्टार्ट करिए। जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा एक्सीलेट करिए और RPM को बढ़ा दीजिए। और उसके बाद फिर इसको धीरे 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 खोलते जाएंगे। ढाई से पौने तीन में आप देखेंगे आपकी जो गाड़ी की रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे लगेगा कि आपकी जो गाड़ी की रेस बहुत ज़्यादा है, हाई चले गई है, तो फिर आप इसको धीरे 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 करके कम करिए। आप देखेंगे कि आपकी जो गाड़ी की एवरेज है वो सही हो जाएगी। तो आपको मैं बताऊं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो से ढाई, ढाई से पौने तीन, आपकी जो गाड़ी की एवरेज सही आ जाएगी, ढाई से पौने तीन ही रखिए इसको। तो आप ऐसे करके अपनी गाड़ी की एवरेज मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चेतक लवर हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल में हमेशा ही ऐसी जानकारी वीडियो लेके आऊँगा जिससे आप अपने स्कूटर को मेंटेन कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।